हाय मित्रों, कैसे हो? सभी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सभी को मेरी गायो दिखा रहा हूँ। कैसी लग रही है सभी गाय? आप देखो, नंदू और कृष्णा है ये दोनों। ये नंदिनी है, उसके पास खड़ी है उसकी माँ है। माँ है चंद्रावती, बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारी कुंडी है, कुंडी भी काफी खूबसूरत गाय है। ये बतिया सब उछल कूद कर रही है। ये हमारा लीलड़ा है, बुल के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसका नाम पवन है, तो इसे इस कलर को हम लीलड़ा कलर बोलते हैं। ये सारंगपुर ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। कुंडल मंदिर था उसका लीला बोल था, उसका बच्चा है ये। काफी खूबसूरत है, आप देखो। और पृथ्वी वहां खड़ा है, आप देखो। पृथ्वी आओ आओ, ये हमारा पृथ्वी है। काफी खूबसूरत बुल बनेगा, वो भी भूसा का बेटा है। भूसा है वो, भावनगर ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी आ। और सभी बच्चियां हैं यहाँ खड़ी हुई है, देख सकते हो। ये वेगड़ है, वेगड़ जो है 57 नंबर बुल का बच्ची है। बहुत ही खूबसूरत है वेगड़ भी। और जो सरिता है वो सामने है, आप देखते हो, वो भी काफी खूबसूरत बच्ची है। सरिता और ये सामने जो है रिद्धि है। काबर है और ये मोती है। हमारे लड़के सभी के साथ खेल रहे और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को बांध रहे हैं अभी। और ये रीति है, रीति काफी खूबसूरत बच्ची है, देख सकते हो। और वो हमारी लीली है, लीली है वो बच्ची है। काफी खूबसूरत बच्ची भी है वो। और कुछ उसके साथ खड़ा है। लीली लीली आओ आओ पृथ्वी। और ये हमारे कपिला है, कपिला कपिला आओ। काफी खूबसूरत है कपिला भी। उसके नीचे पीछे जो खड़ी है कारी की बेटी है, वो भी काफी खूबसूरत बच्ची है, देख सकते हो। पृथ्वी अभी 11 महीने का हुआ, उसको हम बुल के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें से जो हमें बच्चे मिलेगा वो काफी बेहतरीन मिलेगा, इसका रिजल्ट तो काफी अच्छा ही आने वाला है।
लेकिन अभी एक साल के बाद उसको हम चालू करेंगे, हमारी गायों में यूज़ करेंगे, लेकिन एक साल के बाद करेंगे, दो साल में वो चालू हो जाएगा। और जो ये है सोन कपिला है, उसके पास जो खड़ी है वो कारी की बेटी है, जो काफ़ी खूबसूरत है। और जो ये बच्चे लोग सभी बांध रहे हैं गायों को, मेरा बेटा है। उसको भी मेरी तरह ज़्यादा शौक है, इसका कोई गाय से डरता ही नहीं है। मारी जा है। और ये पवन है, पवन और लिली को दोनों साथ में ही हम बांधते हैं, दोनों एक जैसे ही लगते हैं इसलिए। पृथ्वी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बांधने नहीं देता है। और ये कन्हैया का बेटा है, बछड़ा तैयार कर रहा हूँ इसे भी। और ये चंद्रावती का बेटा है, काफी खूबसूरत है वो भी। और ये हमारा पवन की बेटी है, पवन जो था वो काफी शानदार बुल था, वो पवन था, वो लाखनिया का बेटा था जो भुवनेश्वरी ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था। और ये भी हमारा कन्हैया का बेटा है, ये भी काफी खूबसूरत है, ये बछड़ा है, ये भी बहुत ही शानदार तैयार करूंगा इसे भी। और ये नंदनी है, नंदनी भी काफी खूबसूरत बच्ची है। और ये तोखार की बेटी है, और उसकी माँ जो ये शाम पास खड़ी है वो है वेणु। तोखार 198 था, वो भावनगर ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था, काफी खूबसूरत है बच्ची भी उसकी। और ये भी हमारी बस अब 20 से 25 दिन के बाद बच्चा जन्मने वाली है, ये भी अभी पहले लोकेशन पे है, लेकिन ये भी काफी अच्छा में इसमें से रिजल्ट मिलेगा, ये अच्छे ही बुल से प्रेग्नेंट हुई है। और आगे आओ, ये हमारी गाय बहुत ही बेहतरीन है, जो इसमें अब 20 से 25 दिन के बाद ये भी बच्चा जन्मने वाली है, इसमें से भी हमें काफी शानदार रिजल्ट मिलेगा। और जो ये सामने है ये वेणु है, वेणु भी हमारा कन्हैया से प्रेग्नेंट है, और ये भी कन्हैया से प्रेग्नेंट है। वेणु को अभी 1 महीने के बाद बच्चा देने वाली है, और ये 20 से 25 दिन के बाद, और ये भी अब 1 महीने के बाद बच्चा देने वाली है, पहले लोकेशन में गपन है, लेकिन ये भी बच्चा काफ़ी शानदार देगी। और दूसरी सभी गायों को आपको तो दिखाई करता हूँ। यह भी कोशिश कर सकते हैं इसकी माँ को दूध पीने का, इसकी माँ अब तो दूध नहीं पीने देती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है। देखो एक साल की अभी तो हुई नहीं है, 10 से 11 महीने की हुई है। का नाम तृप्ति है, ये वेणु की बेटी है।
पवन और लिली और पृथ्वी, तीनों बंद दिए हुए तीनों को। सभी गायों अभी तो खुली थी लेकिन अब बांधने लगे हैं। मॉर्निंग टाइम 3 कलाक का होता है, वो खुले रहने का होता है। 7 से 10 तक सभी बंधी हुई है। तो थैंक यू मित्रों, आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाला वीडियो हमारा आप तक जल्द ही पहुंचे। और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें दिखाना।